गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए कविता नंबर 16 स्थिति भाग एक में से लेकर के आए हैं, जिसका शीर्षक है यमराज की दिशा। कविता नंबर 16 यमराज की दिशा। सबसे पहले हम यहाँ कवि परिचय करेंगे। यहाँ पर कवि का नाम है चंद्रकांत देवताले। कवि का नाम है चंद्रकांत देवताले। इनका जन्म 1936 में हुआ था। इनका जन्म 1936 में हुआ और इनका जो जन्म स्थान है जौलखेड़ा जौलखेड़ा जिला बैतूल मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में इनका जन्म स्थान जो है, इनकी जो शिक्षा है इंदौर में हुई। तथा पीएचडी इनकी पीएचडी सागर विश्वविद्यालय सागर से हुई। ये साठोत्री कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। प्रमुख कवि माने जाते हैं और इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। इनकी जो रचनाएं हैं लक्कड़ बग्गा हंस रहा है, हड्डियों में छिपा जबर, हड्डियों में छिपा जबर, दीवारों पर खून से, भूखंड तप रहा है,
पत्थर की बेंच इतनी पत्थर रोशनी आदि, ये इनकी रचनाएं हैं। इन्हें जो सम्मान मिले माखनलाल चतुर्वेदी सम्मान, माखनलाल चतुर्वेदी सम्मान मिला और मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान मिला। इनकी मृत्यु देवताले जी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित होने के बाद बाद भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में भी सम्मानित हुए। देवताले की कविता जो है जड़े गांव कस्बों और निम्न मध्यम वर्ग के जीवन में है। उनमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडंबनाओं के साथ उपस्थित हुआ है। कवि में जहां व्यवस्था की कुरूपता के खिलाफ गुस्सा है, वहीं में मानवीय प्रेम की भावना भी भरी है। वह अपनी बात सीधे सीधे मार्ग ढंग से कहता है। कविता की भाषा में अत्यंत पारदर्शिता और एक विरल संगीतात्मक दिखाई देती है। यहाँ पर इनके ये परिचय है इस चंद्रकांत देवताले जी का, और जो कविता का सार है, कविता में कवि सभ्यता के विकास में खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहता है कि जीवन विरोधी ताकतें आज चारों ओर फैली हुई है। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ अब शकुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में ही दिखाई नहीं है, सर्वे व्यापक हो चुकी है। सभी तरफ फैले विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करते हुए कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन आह्वान करता है। अब निम्न पंक्तियां जो कवि की हैं, कविता, उन कविता की मैं व्याख्या करवा रही हूं, तो सभी बच्चे इन व्याख्याओं की ओर ध्यान दें। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, मैं नहीं जानता। यानी कि माँ जब अपने बच्चे को अपनी उसकी कुशलता के लिए, उसके अच्छे वक्त के लिए उसको कुछ ऐसे सीख देती है, कुछ संस्कार देती है कि भगवान ऐसा करते हैं, भगवान ऐसा वैसा करते हैं, तो बच्चे को लगता है कि माँ जिस तरह की बातें मेरे को बताती है, क्या भगवान से कभी माँ की मुलाकात होती है, मैं नहीं जानता। पर हाँ, वह जताती है, लेकिन उनकी बातों से कुछ ऐसा प्रभाव होता है, ऐसा असर होता है, उसमें से कुछ ऐसी शक्ति निकलती है कि जरूर माँ की भगवान से बातचीत होती होगी और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। माँ की बातों से ऐसे लगता है कि माँ की मुलाकात ईश्वर से जरूर होती होगी और वह उनसे बातें भी करती होगी। जब भगवान उनको सलाह देते हैं तो वो उन बातों के अनुसार, उनकी सलाह यानी कि मशवरा के अनुसार जिंदगी को जीने और जितने जिंदगी के अंदर दुख गम कष्ट आते हैं उनको बर्दाश्त करने के तरीके सीख लेती है, यानी कि उनके नए रास्ते भी खोज लेती है। अगली पंक्तियां हैं, माँ ने एक बार मुझसे कहा था, आगे कवि ने कहा, यानी कि यहाँ पर जो चंद्रकांत देवताले जी हैं ये अपने बारे में स्वयं कह रहे हैं। माँ ने एक बार मुझसे कहा था कि दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना। बच्चों, आपके भी घर में बहुत से माता पिता ऐसे हैं जो दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोने से मना करते हैं कि दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वह बच्चे को अपशकुन से बचाने के लिए अपने बच्चे को भय दिखाती है कि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा होती है। तो माँ ने मुझसे भी ऐसा ही कहा था कि तुम दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है।
तो कवि तो कवि को यहाँ पर भय तो नहीं हुआ, लेकिन एक जिज्ञासा उसके मन में हुई कि मृत्यु की जो दिशा है वो कौन सी दिशा है और मृत्यु कैसे आती है। तो यहाँ पर कवि ने अपनी माँ से अनेक प्रश्नों का उत्तर मांगा। माँ ने मुझसे कहा, दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल बना हुआ था कि दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से आखिर मृत्यु की दिशा कैसे बन जाती है, कैसे वहां से मृत्यु आती है। और माँ ने आगे कहा भी था कि यमराज को क्रुद्ध करना, यानी कि यमराज को क्रोधित करना बुद्धिमानी की बात नहीं है, यानी कोई समझदारी नहीं है यदि हम यमराज को क्रोधित करेंगे, क्योंकि यदि उधर पैर करके सोएंगे तो यमराज क्रोधित हो जाएंगे। आगे कवि ने कहा, तब मैं छोटा था और मैंने माँ से यमराज के घर का पता पूछा था कि माँ यमराज का घर कौन सा है। माँ ने मुझे बताया भी था कि यमराज का घर कौन सा है, और इसी प्रकार मैंने माँ से ये कहा कि यमराज का घर कौन सा है। लेकिन माँ ने मुझे समझाया था, पर मैं बहुत छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण दिशा में हमेशा यमराज का घर है। इतनी बात सुनकर तो मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई, मैंने सोचा कि यमराज का घर देखना चाहिए। अगली पंक्तियों में कवि कहता है कि माँ की समझाइश के बाद, माँ ने मुझे बहुत समझाया और बताया, लेकिन समझाने के बाद भी दक्षिण दिशा में मैं कभी पैर करके नहीं सोया, क्योंकि कवि के मन में भी एक भय बैठ गया था, डर हो गया था कि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा होती है। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। तो इस आगे कवि ने कहा कि हाँ, इतना मुझे फायदा जरूर हुआ है कि मैं जहाँ कहीं भी जाता मुझे हमेशा दक्षिण दिशा याद रहती थी, मुझे कभी उस मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा जो बातें मुझे माँ ने बताई। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को हर बुरी नज़र या हर बुरे संगत समय से बचाने के लिए उसे कुछ संस्कार देती है। और कवि ने कहा कि माँ के बताने का मुझे फायदा जरूर हुआ कि मैं जहाँ भी कहीं जाता मुझे हमेशा वो माँ की बात याद रहती थी और वो दक्षिण दिशा भी याद रहती थी। आगे कवि ने कहा कि मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया। अब दक्षिण दिशा कहाँ है ये कुछ कहना जरूरी नहीं है, ये दक्षिण दिशा कहाँ जाकर के खत्म होती है ये भी कवि को पता नहीं था। उसने कहा कि मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ की याद आती रही, क्योंकि माँ ने दक्षिण दिशा में यमराज का घर बताया था। जब मैं दक्षिण में पहुंचा तो मैंने वहां देखा, वहां पर एक विशाल सागर है और उस सागर को मेरे लिए लांग लेना संभव नहीं था। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। कवि ने जब वहां पर एक विशाल सागर देखा तो चारों तरफ देखकर हैरान रह गया कि यहाँ कहाँ पर यमराज का घर है। हो सकता है समुद्र के पार हो, लेकिन उस समुद्र को पार करना कवि के लिए संभव नहीं था। और कवि ने कहा, यदि संभव होता दूसरे किनारे पहुंच जाना, यानी कि उस छोर पर पहुंच जाना जिसको कभी हनुमान जी ने एक उड़ान में नाप दिया था। जब लंका पर चढ़ाई की थी तो उस विशाल सागर को श्री राम जी के लिए भी पार करना संभव नहीं था। वानरों की सेना से, विशेषकर नल और नील की जो सहायता थी, वहां पर सेतु बना और सेतु बन करके जो सारी वानर सेना और श्री रामचंद्र जी के साथ में लंका पर चढ़ाई करने गई, जिस सागर को हनुमान जी ने अपनी शक्ति के अनुसार एक क्षण में नाप दिया था, कभी उस समुद्र को देख करके घबरा गया और सोचा, यदि मैं उस छोर तक पहुंच जाता तो मैं भी यमराज का घर देख लेता। पर आगे कवि ने कहा, आज जिधर भी देखो, कभी तो एक यमराज का महल दक्षिण दिशा में हुआ करता था जहां से मृत्यु आती थी, लेकिन कवि ने आज की इस घोर परिस्थिति, कठिन परिस्थितियों में चारों ओर हाहाकार त्राही त्राही मची हुई जो है, आज कवि ने कहा, आज तो जिधर भी प्यार करके सो उधर ही मृत्यु की दिशा हो जाती है। यानी कि चारों तरफ आतंकवाद, भ्रष्टाचार, मार काट छिड़ी हुई है, तो आज तो जिधर से देखो उधर से एक मिनट में यमराज आ जाते हैं और वही मृत्यु की दिशा
हो जाती है। सभी दिशाओं में, कभी तो माँ ने मुझे कहा था कि दक्षिण दिशा में यमराज का महल है और वहां वो उस महल में रहते हैं, लेकिन आज तो जिधर भी देखो उधर यमराज की दिशा बनी हुई है। वहां चारों ओर आलीशान महल है जो आज आतंकवाद पला हुआ है, चारों तरफ यमराज के जैसे महल बने हुए हैं। वो महल बहुत आलीशान है और वे सभी एक साथ अपनी दहकती हुई आंखों के साथ विराजते हैं। तो कवि ने कहा कि वो समय एक बहुत समय पहले था जब कभी दक्षिण दिशा में यमराज का महल हुआ करता था। आज तो चारों ओर विध्वंसकारी जो विनाशकारी नीतियां फैली हुई हैं, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, मार काट यानी कि खून खराबा आज चारों ओर फैला हुआ है और उन्हीं यमराज के महल बड़े बड़े आलीशान बने हुए हैं और वो उन्हीं कोठियों में रहते हैं। वो दूसरे को खा जाने वाली नजर से, एक दहकती हुई आंखों से उन आलीशान महलों में से निकलते हैं, यानी कि अपने से छोटों का शोषण करते हैं। कवि ने अंत में कहा कि माँ अब नहीं है। कवि को बड़ा पश्चाताप हुआ, अफसोस हुआ कि माँ अब नहीं है। माँ अब नहीं है और वह यमराज की दिशा भी नहीं है। कवि ने कहा यदि आज माँ होती तो मैं उस यमराज की दिशा के बारे में पूछता कि आज तो चारों ओर यमराज की दिशा बन गई है। माँ आपका आज जो यमराज की दिशा बताई थी, आज वाली दिशा में और उस दिशा में क्या अंतर है? जो माँ जानती थी, माँ जिस दिशा के बारे में जानती थी, माँ को ये नहीं पता था कि मेरे वाले समय में चारों ओर यमराज के महल हैं और चारों ओर वो बड़ी बड़ी आलीशान कोठियों में रहते हुए एकदम धधकती हुई यानी कि लाल लाल आंखें करके बाहर जब निकलते हैं और वो सबको एक डरावना एक भय दिखाते हैं। तो निम्न पंक्तियों में कवि ने कहा है कि माँ अपने बच्चे को अपशकुन से बचाते हुए यमराज की दिशा का उसको बोध कराती है कि यमराज की दिशा जो है ये मृत्यु की दिशा होती है। हमारे घर में भी आज भी हमारी माताएं, नानी, दादी इस प्रकार के बातें बताकर बच्चों को भय दिखाती हैं। बच्चों के अंदर बुलाने के अनेक प्रकार के भय होते हैं कि बच्चों के अंदर इस प्रकार का भय बना रहे कि वो किसी गलत रास्ते पर न चले और उसको जहाँ पर वो जा रहा है उसे केवल अपना लक्ष्य दिखाई दे और वो इधर उधर न भटके। गलत काम करेंगे तो गलत काम का परिणाम भी गलत ही होगा। इसलिए प्रत्येक माँ, मेरी माँ भी, प्रत्येक माँ अपने बच्चे को इन बातों से अवगत कराती है कि बच्चे की जिंदगी में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसीलिए कहा गया है कि कम से कम अपने माता पिता के पास 5 मिनट बैठकर उनसे कम से कम 2 संस्कार प्रत्येक दिन सीखिए और आपके अंदर अच्छे बुरे का भी ये रहे कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। बच्चों यहाँ पर मैंने आपको यमराज की दिशा, जैसे कि इस नाम से ही पता लग रहा था कि यमराज की दिशा क्या होती है, कविता पढ़ने से पता लगा है। यहाँ चंद्रकांत देवताले ने जो कविता लिखी है यहाँ पर मैंने आपको उनका परिचय करवाया। ये परिचय आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। दूसरी बात, जो पोयम आपको कविता अभी करवाई है इसके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न जो व्याख्याओं के नीचे दिए हैं वो भी आप अपनी नोटबुक में करेंगे और साथ साथ में उनको याद भी करेंगे। याद करने के साथ आपका राइटिंग सुंदर हो, यथा समय आपकी प्रत्येक कॉपी चेक होगी।